दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत दोस्तों यू सबसे प्रयागराज में आपका स्वागत दोस्तों। मैं सेशन के आगे बढ़ा रहा हूँ और संभवतः आपको अच्छा भी लगता होगा क्लास, क्योंकि जिस तरीके आप जुड़ रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से जुड़ रहे हैं दोस्तों। और मैंने पढ़ाया था जो है कल क्लास में, नंबर सिस्टम जो है पार्ट 4 में दो पार्ट में पढ़ाया था, पार्ट 1 पार्ट 2। क्योंकि जब वीडियो लंबी हो जाती है तो मैं दो पार्ट में मुझे करना पड़ता है। मैं प्रयास करता हूँ एक ही पार्ट में हो, लेकिन हो नहीं पाता दोस्तों। और जिस तरीके आज चैनल को आप जुड़ रहे हैं, परिवार में शामिल हो रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं सेशन के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और एक बात और, आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी लोग जुड़ रहे हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं, सब सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब करें तो परिवार बहुत लंबा हो, बहुत अच्छा लगेगा आपको, हमको पढ़ाने में, आपको पढ़ने में। दोस्तों मैं जिस तरीके आपको चैनल के माध्यम से आप पर तक पहुंचाना चाहता हूं, बहुत ही अच्छे तरह से तरीके से पहुंचा रहा हूं। और आगे प्रयास रहेगा कि सारी चैप्टर जो है आपको ट्रिक बताया जाए, बस आपको प्रैक्टिस करना है। मेरा काम है बताना, आपको प्रैक्टिस करना दोस्तों। मैं सेशन के आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों। जैसे संख्या पद्धति पार्ट 5 में, सॉरी, आपको शून्य की संख्या ज्ञात करना है। शून्य की संख्या ज्ञात करना, ये क्वेश्चन जो है यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट में, मतलब और एग्जाम में जो है, जैसे रेलवे में, ये क्वेश्चन जरूर कभी कहीं ना कहीं पूछ लेता है। इस क्वेश्चन को जो है आपको ये क्वेश्चन डेली देने का प्रयास कर रहा हूँ। और नंबर सिस्टम तो आता ही है, इतना जान लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें मैथ आते हैं, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो नंबर सिस्टम, दो क्वेश्चन बनते हैं। अभी दोस्तों बता रहा हूँ, जैसे शून्य ज्ञात करना है, ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लीजिएगा। जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, दस इसमें आपको इतने 1 से 10 तक सारी संख्याओं को जो है शून्य ज्ञात करना है दोस्तों। आपको कुछ करना नहीं है दोस्तों, मैं समझाने के लिए कुछ प्रयास कर रहा हूँ आपको। जैसे किसी बिना 2 और 5 को गुणा करेंगे तो 10 होगा, तो एक शून्य मिला, एक शून्य मिला। और यहाँ तक आने पे, अभी मैं आगे बता रहा हूँ आपको किस किस तरीके करना है। तो बिना 2 और 5 का आप इतना नोट कीजिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन आपको बता दिया जाए, नोट करा दिया जाए, थोड़ा सा आप इम्पोर्टेंट नोट कीजिएगा, नोट कीजिएगा। बिना 2 और 5 के, बिना 2 और सॉरी बिना 2 के, 2 और 5 नहीं होने पर किसी भी संख्या में 2 5 नहीं होने पर शून्य का निर्माण नहीं होगा दोस्तों। शून्य शून्य का निर्माण नहीं होगा दोस्तों, नहीं होगा, इतना याद रखिए, रखिएगा, सॉरी भी हटा दे। 2 और 5 किसी भी संख्या में 2 और 5 नहीं होने पर शून्य का निर्माण नहीं होगा दोस्तों। अगर शून्य पूछे 2 और 5 नहीं रहेगा तो अगर आप करेंगे तो नहीं होगा। जिसे 2 2 से 5 में गुणा करेंगे तो 10 आएगा, 10 में 1 शून्य मिलते हैं। इस तरीके में सारी चीज़ें बताएंगे। बस आपको क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्ट बताना चाह रहा था, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्लीन कर रहा हूँ, क्वेश्चन क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं। आगे करना कुछ आपको नहीं है, बस जिस तरीके संख्या है 10 तक, 10 को उठाएंगे
और 5 से भाग देंगे, और जब तक भाग देंगे, जब तक वो कटे तब तक भाग देंगे, और वही जो है हमारा शून्य की संख्या निकल जाएगी दोस्तों। यहाँ तक सर 205 पे दो बार बार कटेगा, दो शून्य निकला दोस्तों, इस तरीके निकलेंगे। जैसे अगर हो गया यहीं, मैं और बता रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से कि आप नोट करते चले जाइए, नोट कर लीजिए, और मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया, दो बार तीन बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और कुछ नहीं, बस आप खाली थोड़ा सा प्रैक्टिस कर दें, समय दे दीजिए, तो दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में आपको बहुत समय बचाएगा। इस चीज़ एग्ज़ाम हॉल में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आपको बताए थे, लेकिन क्वेश्चन यहीं से है। 1 और 2 × 3 × 4 × 5 × 6, इस तरीके ऐसे करते करते 20 तक, 20 तक शून्य संख्या, शून्य संख्या ज्ञात कीजिए, शून्य संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें करना कुछ नहीं है आपको, जैसे मैं बताया था पिछली बार अभी इसके पहले जो है अभी जस्ट बताया था अगले क्वेश्चन में, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाया था। इसी तरीके और है आपको, जैसे कुछ करना नहीं है, 20 उठाइए, कुछ नहीं करना, बस दोस्तों बस आप बस देखिए मारते चले जाइए, 20 उठाइए। अब क्वेश्चन आए, जितने में क्वेश्चन में आपको सॉल्व कराता हूँ, सब क्वेश्चन आए हुए हैं, चीज़ SSC में आए हैं, रेलवे में आए हैं, बैंक में आए हैं, सारे चीज़ क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके। इसमें आप करना क्या है, 5 से भाग देंगे, 5 से जब तक भाग देंगे जब तक वो कटेगा, 5 × 20, इसमें 4 जीरो आएंगे दोस्तों। ऑप्शन नहीं लिखे, लेकिन ऑप्शन में अगली बार से लिख रहा हूँ। फिर जिस इस तरीके 1 से 50 तक संख्या में निकाल बता रहा हूँ, प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस देने का प्रयास, मैं हर तरह के प्रश्न आपके पास दोस्तों में लेके आ रहा हूँ, कि क्योंकि आप कहीं से ऐसा ना हो कि आप समझे नहीं। ऑप्शन लिख दे रहे हैं, देखिए लगेगा सारे जो जो क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। सॉरी, इसमें ये रहेगा, ये मैंने 5 6 5 6 4 7 दोस्तों, इसमें से कुछ करना नहीं है आपको, जिस तरीके मैं बताया था, बस 50 को उठाइए, 5 से भाग दीजिए, कितने आते हैं, 10 बार, फिर 10 को उठाइए, फिर 2 बार, दोनों को काउंट कर दीजिए, 12 शून्य आएंगे। जब तक हम भाग देंगे, जब तक भाग जाएगा तब तक भाग देंगे, तो शून्य की संख्या ज्ञात हो जाएगी दोस्तों। मैं इस तरीके सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, तो कितना आया, 12, सॉरी ऑप्शन में जो है 12 ही रहेगा, एक मैं पहले ऊपर वाला ऑप्शन आपको बता दिया हूँ, देखिए 4 आया है, ऊपर वाला ऑप्शन नोट कर दिया हूँ। मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी लोग दीजिए सब्सक्राइब किए, क्योंकि जितने भी लोग देखेंगे सबके पास पहुँचे हमारे चैनल, और वीडियो पहुँचे सबके पास, सब देखें, और थोड़ा सा आपको जो है आसान हो, और आसान करने के मैं प्रयास कर रहा हूँ, और संभवतः मैं सफल भी हो रहा हूँ जिस तरीके आप जुड़ रहे हैं। और इसके सर क्लास संभवतः आज लेंगे, जैसे आपको
दो तीन चार पाँच, मैं हर टाइप बताने के प्रयास कर रहा हूँ और बता भी रहा हूँ दोस्तों। 7 100 तक, 100 तक, शून्य संख्या ज्ञात कीजिए। करना कुछ नहीं दोस्तों, इस तरीके पहले जिस तरीके हम आगे लगाते हैं उस तरीके आगे में लगाऊंगा। 100 100 5 से भाग देंगे, आएगा 20, फिर 20 को 5 से भाग देंगे, आएगा 4। इसको काउंट करेंगे, 100 तक संख्याओं का 24 तक आ रहा है, ऑप्शन में लिखा नहीं, लिख दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं, 21 26 24 30, 24 आया हुआ है। इस तरीके मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप बस नोट करते चलिए। आप नोट्स बना लीजिए और सब लोग टेलीग्राम पर जुड़िए, मैं नोट्स आगे देने का प्रयास करूँगा, लेकिन नोट्स बना लीजिए क्योंकि भी सारी सुविधा भी स्टार्टिंग है, सारी सुविधा जो है थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन देने का प्रयास करूंगा बेहतर से बेहतर आपको। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इस तरीके आपको मैं बताने जा रहा हूं। फिर कभी कभी कुछ देता है कि 1500 या 500 या 700 तक संख्याओं में शून्य बताइए, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। एक ट्रिक और है आपके पास, मैं बताऊंगा आपको, जिससे कभी कभी अगर आपको भूल जा रहे हैं, पूछ लिया कि 50 तक शून्यों की संख्या, तो आप एग्ज़ाम हाल में कुछ करना नहीं, ओ मार्कशीट में जैसे 100 तक होते हैं, 150 तक सब नंबर होते हैं, 0 को काउंट कर लीजिए इस तरीके। लेकिन इस तरीके भी लगा सकते हैं आप, कहीं अगर 500 पूछे, 700 पूछे, 800, तब तो नहीं इसमें मिलेगा ऑप्शन में। मैं इस तरीके ट्रिक बता रहा हूँ, वो भी आसान है, अब ये भी आसान है, ये तो और आसान है, बस प्रैक्टिस करने के ऊपर है। कोई भी संख्या कितने अभी तक रहे उसमें गिनने में आपको समय लगेगा। उसे उठाइए यहाँ तक 500 तक, करना कुछ नहीं दोस्तों, जिस तरीके मैं बताते चला आ रहा हूँ। 500 100 तक 24 संख्या आई थी, 100 तक, लेकिन बता दे रहा हूँ आगे, नहीं तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। 2 को जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो 3 को ऐड करेंगे, 124 आंसर आएगा। ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लिख दे रहे हैं आपको, आप लिखते जाइए और करते जाइए। सेशन को बहुत ही अच्छा बनाने का प्रयास कर रहा हूँ और हम लोग सफल भी हो रहे हैं। एक सौ 24 आया है, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हर टाइम मैं बताने का प्रयास करूंगा और इस संख्या में आता है 1000 तक, मैं बता दूं आपको, और मैं जिस तरीके पिछली बार करते आए हैं इस तरीके करना आपको। थोड़ा सा आप
अगर नहीं समझ में, दो बार तीन बार देखिएगा आपको, इस पे जो है यहाँ 200 बार आएगा, 200 भाग करेंगे 40 बार आएगा, 40 से भाग देंगे तो 8 बार आएगा, फिर 8 को आपको करना है, 8 में भी भाग देंगे, भाग जितनी बार तक जाएगा, जिस पर उसकी छोटी संख्या ना हो तब तक करते रहेंगे, एक बार जाएगा। इससे हमें खाली बस कितनी बार जाता है एक काउंट करना है, ये नहीं कि कितनी से सारे के कट रहा है, नहीं इतना जानी है आप कितना हो रहा है आप काउंट कीजिए, 200 + 40 + 8 + 1 9 9 4 249 ऑप्शन ही लिखे हैं, ऑप्शन बना लीजिएगा कि ऑप्शन लिख दे रहे हैं, रुकिए थोड़ा सा जल्दी करने के नाते से जो है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा आपको भी दिक्कत होती है, समय जाता है, और कंपटीशन ऐसा चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि आप समय गंवाएंगे तो कुछ पाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप सोएंगे तो अगला जग रहा है पढ़ने के लिए, इस तरीके जितना ही पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए कम है। और इसमें तो आप मैथ की चिंता छोड़ दें, जितने भी लोग पढ़ रहे हैं मुझसे और जुड़िए लोग, मैं हर चैप्टर को हर तरीके से अच्छी तरह से बताऊंगा, प्रयास करूंगा। अब आगे आप जिस तरीके जुड़ रहे हैं, हमें लगता है कि मैं सफल हो रहा हूं और सफल हो रहे हैं। इस तरीके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को ला रहा हूं, एक से मैं हर टाइप बताने के प्रयास, कभी कभी पूछ लेता है कि 55 तक 1255 1250 इस तरीके, 2 × 2 = 3 × 4 × 5 × 6 × 7 यहाँ से लेके 1250 तक सभी इतना प्रैक्टिस करा दूंगा, शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए। इतना मैं प्रैक्टिस करा दूंगा दोस्तों कि आप कि इसी में से कि आप खाली बस मेरे वीडियो को, मतलब मेरे क्लास को पढ़िए और बहुत अच्छा बेहतर करेंगे, और संभवतः कर भी रहे हैं, जिस तरीके आप मुझे पसंद कर रहे हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। मैं इस तरीके जो है 350 400 फिर मैं जिस तरीके पिछली बार करते चला आ रहा हूँ, मैं कर भी रहा हूँ, आप भी कीजिए। इसमें कितना आएगा आपको, 25 5 × 2 = 10 5 × 2 = 25 और 0 = 250 फिर 250 5 से करेंगे 5 250 5 करेंगे 50 फिर 50 को 5 से करेंगे 10 10 को 5 से करेंगे 2। अब सारी चीज़ों को काउंट करेंगे, हम काउंट करते हुए जैसे इस तरीके जोड़ ले रहे हैं, ऐड करेंगे 250 इस तरीके 300 बार आएगा, लेकिन मैं ऐड कर दे रहा हूँ कि आपको आसानी हो, 312 आएगा, 312 का ऑप्शन ए। इस तरीके मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, और बहुत ही अच्छे तरीके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ।
लेकिन सभी लोग चैनल सब्सक्राइब, जितने भी लोग देख रहे हैं सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। मैं टाइप सेकंड लेकर आया हूँ, अब मैं टाइप सेकंड लाया हूँ, थोड़ा सा सम संख्या विषम संख्या वाला एक क्वेश्चन हर बार पूछता है, 4, 6, 8, 10 100 तक, 0 की संख्या ज्ञात कीजिए। सोनू की संख्या ज्ञात कीजिए। करना इसमें दोस्तों कुछ नहीं है आपको, जैसे मैं पिछली नंबर सिस्टम पिछली बार चले जाइएगा, मैंने बताया था आपको सम विषम निकालने के जो है बताया था नंबर सिस्टम संख्या पद्धति में, और इस तरीके इसमें भी आपको सम विषम, इसमें सम विषम पूछा है तो सम संख्या है, सम संख्या 50 सम होते हैं 50 विषम होते हैं, 50 विषम होते हैं, सम 50 विषम 100 में से, उससे कुछ नहीं करना है आपको। ऑप्शन में लिख दे रहा हूँ पहले बी सी, मैं इस तरीके बताऊंगा कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। 10, 12, 14 फिर जिस तरीके हम करते आए हैं उस तरीके करेंगे, फिर 10, 2 इस तरीके 12 आंसर आया। देख रहे हैं, बस उठाइए और क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जा रहा है तो आप क्वेश्चन में ही अपने बिना लगाए हुए मार ले जाएंगे। बस प्रैक्टिस करने दोस्तों आपके साथ बस ज़रूरत है, बाकी हम तो है ही हैं आपके लिए दोस्तों। आप इस तरीके जिस तरीके पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पे और कोई बता दें, एक ही ठीक है, आप पिछली पढ़े हैं कर ले जाएंगे, अभी सम पे बता रहे हैं। विषम पे बता रहे हैं, ऑप्शन लिखिएगा। ऑप्शन में क्या है, 37, 34, 37, 34, 38 इसमें से कोई भी नहीं है। None of this। दोस्तों थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट आपको आगे मैंने समझाया था, आप समझे भी होंगे, जिस संख्या में जो 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे उस संख्या में 0 बनती है, और जिसमें 2 और 5 नहीं होंगे 0 नहीं बनेंगे। आप विषम संख्या में कहीं भी देख लीजिए, आपको 2 नहीं मिलेगा, 5 मिलेंगे, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 और
संख्या है, कहीं आपको दो नहीं मिलेगा क्योंकि विषम संख्या है। इस तरीके भी इसमें आपका जो है, मैं नोट करवा दे रहा हूँ, नोट कराऊँ आप समझ लीजिएगा, इसमें से कोई नहीं होगा। जिसमें दो और पाँच नहीं रहेंगे उसमें शून्य संख्या नहीं होगा। जिससे सम में तो होंगे, विषम में दो तो रहेगा नहीं, आपको पता ही है दो जो है सम है। तो इस तरीके दो चार छः आठ सम है और विषम एक तीन पाँच, पाँच मिलेगा लेकिन दो नहीं है। बिना दो और पाँच के शून्य संख्या नहीं निर्माण होगा। दोस्तों मैंने आगे भी बताया था कंसेप्ट पहली बार शुरुआत में, इस तरीके मैं सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, मैंने बता दिया। अब थोड़ा सा टाइप चेंज कर रहा हूँ, इस टाइप क्वेश्चन जो है सस्ती में आते हैं, थोड़ा सा लेवल उठा हुआ है क्योंकि मैं हर चीज़ बताऊँगा, हर चीज़ रेलवे में भी आते हैं और बताने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। और सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और जुड़ने की प्रयास करिए ज़्यादा से ज़्यादा, परिवार में शामिल हो जिस तरीके हो रहे हैं इस तरीके जुड़िए, और शेयर कीजिए सब लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इस लिंक को, यूथ सक्सेस प्रयागराज को आप अपने स्टेटस पे लगा लीजिए दोस्तों। उससे हम सोच रहे हैं 12 मार्च से आपको कुछ स्पेशल देने के, जो वीडियो का बैच, लेकिन लोग जो है वीडियो पढ़ने के लिए जो है जुड़ेंगे तभी हम आगे दे पाएंगे, और सारी चीज़ें के लिए जुड़े रहेंगे वीडियो पढ़ने के लिए। और अगर सामने कोई भी इंजाम आता है इसके लिए मैं अलग से बैच के लिए जो है कलेक्ट करूंगा और पढ़ाऊंगा भी। और मेरे टेलीग्राम पे यूथ सक्सेस प्रयागराज पर आप अपने सर्च कीजिएगा और ग्रुप आ जाएगा, ग्रुप में शामिल हो जाइएगा, इसमें सारी सूचना इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। और मैं इस सेशन को आगे बढ़ा रहा हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं और आगे आप क्वेश्चन बता रहे हैं, आगे लगाना आप, इसके बाद अगले पार्ट में बताऊंगा क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है कि बता दूं एक आपके आपको इस तरीके थोड़ा सा छोटे बताऊंगा, समझ में आए 10 तक स्क्वायर शून्यों की संख्या गत कीजिए। जैसे शून्यों की संख्या गत कीजिए, जैसे आप पिछली बार देखे होंगे, करना दोस्तों कुछ नहीं आगे, जैसे 10 तक पिछली देखे होंगे इसके मतलब, सॉरी अभी जस्ट कराए हो शुरुआत में, 5 से भाग देंगे सेम सेम वही करेंगे, आया 2 और जित स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर क्यों दिया, तो क्यों दिया है उस समय जो है हम अगर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे संख्या 4 आ जाएगी, यही आंसर है दोस्तों। इसमें एक क्वेश्चन लगभग पूछते हैं सस्सी में, एमटीएस में पूछे गए हैं क्वेश्चन, रेलवे में पूछे गए हैं और 3-4 जगह पूछे गए हैं इस टाइप क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा लेवल जो नीचे था वो टेट में पूछते हैं सारी चीज़ें जो है इस तरीके, और लेकिन ए लेवल में जो है सारा जो है सस्सी में, रेलवे में, बड़े बड़े परीक्षा में पूछी जाती है इस तरीके में। इसमें ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन भी आपको, ऑप्शन क्या आप आगे बना लीजिएगा, ऑप्शन क्या करना है, आंसर तो आ ही गया आपको, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। इस तरीके बता दे रहे हैं सभी जो है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा, तो 2 बार मिलाना पड़ता मुझे यही, और
जितना भी बड़ी संख्या हो, जिस तरीके में बताया उस तरीके आप कीजिएगा, 40 तक शून्य की संख्या। याद कीजिए दोस्तों, करना कुछ नहीं है, जिस तरीके हम करते आ गए हैं, 40 भागे 5, 8, 8 से करेंगे 5, 8 में करेंगे 5 का 1 आएगा, इसको काउंट करेंगे 9 आएगा, इसमें 3 बार क्यू दिया है, इसमें घन दिया है, तो इसमें 3 का गुणा करेंगे 27 आंसर आएगा। इस तरीके जितने भी आगे क्वेश्चन आएंगे, क्यों देंगे, फिर पावर 4 देगा, पावर 5 देगा, आप कुछ करना उसी संख्या उठा के आपको पूरा कर देना दोस्तों। कि मैं और एक क्वेश्चन और बता दे रहा, पावर 4 बता दे रहा हूँ, मैं समाप्ति कर दे रहा हूँ पार्ट 5 को। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है लेकिन करना पड़ रहा है। एक क्वेश्चन और बचे हैं, बता दे रहा हूँ, 3, 4, 4, 4 इस तरीके 40 तक इस शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, शून्यों की संख्या ज्ञात करना कीजिए, कुछ करना नहीं, जिस तरीके आप बताया था मैंने पिछले बार, 40 गुणे 8 आ रहा है, भागे 8, फिर 40 भागे 8, फिर 1 पर जाएगा, फिर 9 बार करेंगे, इसमें 4 से किया है, 4 से गुणा करेंगे, 9 चौक 36। आसान दोस्तों आगे, इस तरीके 5, 6 जितने पावर रहेंगे उतना भी आप करते चले जाइए दोस्तों। मैं सेशन समाप्त कर रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और पढ़ने के लिए जो है हम आप तैयार रहिए, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ दोस्तों, और परिवार में जुड़िए दोस्तों। नमस्कार, सेशन को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी आपको आगे और पढ़ाना है, सब कुछ चीज़ें देखना है।